और इस मॉडल में जो है कि आपको LED टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर आएगा, प्राइस एक रुपया भी नहीं बढ़ेगा, सेम प्राइस पे मिलेगा। ये लास्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पे, बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है NS160 के इस मॉडल के साथ। सो आप सोच रहे होगे फरहान भाई आप इतना तैयार क्यों हो रहे हो, सो गाइस बात ही ऐसी है, चलो आओ दिखाता हूँ। मैं आज एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं टॉप स्पीड भी नापने वाला हूँ। ये पहली बार हो रहा है मेरे चैनल पे कि मैं किसी बाइक का रिव्यू भी कर रहा हूँ, उसका टॉप स्पीड भी नाप रहा हूँ। बाइक कौन सी है? यस, चलो अब देखते हैं, गेस करो फटाफट कि कौन सी बाइक होगी ये वाली जो मैं अभी रिव्यू बनाने वाला हूँ। अब मैं रिवील करने वाला हूँ, तब तक एक सब्सक्राइब कर दो यार, थैंक यू सो मच। सो गाइस बाइक देखो, पहले बाइक है पल्सर NS160। यस, ये प्यूटी ग्रे में है, काफी शानदार कलर लगता है, शुरू से ही मेरा फेवरेट कलर है। एक चीज मैं बताने वाला हूँ जो बहुत ही तकलीफ देने वाली है आपको, कि ये अपने सेगमेंट की लास्ट बाइक है, इसके बाद ये मॉडल बंद होने वाला है। आने वाला है 2024 मॉडल। 2024 मॉडल में क्या कुछ फर्क रहेगा इस मॉडल से, आइए सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग हमेशा मैं करूंगा कलर से और प्राइसिंग से। तो प्राइस इसका ऑन रोड झारखंड है 1,71,000 रुपीज़। ये देखो आप, 1,71,000 रुपीज़ में आपको ये दमदार बाइक मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसमें कलर ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। तो कलर ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये प्यूटी ग्रे हो गया, दूसरा आपको कॉकटेल रेड वाइन हो गया, तीसरा आपको इबोनी ब्लैक हो गया, चौथा आपको मैटलिक पर्ल वाइट हो गया। यानी बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, एक ग्रे है, एक ठो ब्लैक है, एक ठो रेड है, एक ठो वाइट है, उतना इबोनी बोनी अगर टर्म नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल समझ लो आप। इसका प्राइस आप जान गए, अब इस पर डाउन पेमेंट कितना होना चाहिए। देखो यार, मिनिमम डाउन पेमेंट तो 25,000 पे भी लोग उठा लेते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा तो 40,000 से 45,000 पे आप इसको उठा लो, ठीक है। 4,500 से 4,700 आपको EMI जाएगा 3 साल के लिए, मस्त आपका 15,000 से अगर 18,000 के बीच सैलरी है तो आप इसको अफोर्ड करके रख सकते हो। मिस करने वाले हो यार इस बीस्ट को, भले इसका जो हेडलाइट था वो हैलोजन में था, पर यार इसको मिस करने वाले हो भाई। देखो यहाँ पे अपना ये पुराना जैसे आपका आता है वाइज़र, वैसा ही वाइज़र है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा मैटलिक है, लेकिन इस बल्ब को मिस करने वाले हो, इस पायलट लैम्प को मिस करने वाले हो। अब 2024 में बिल्कुल बदल गया है, इस साइड एक DRL है, इस साइड एक DRL है, ऊपर में आपको रिफ्लेक्टर लाइट LED है और नीचे भी रिफ्लेक्टर LED दिखेगा, साथ में टर्न इंडिकेटर्स भी आपको LED में आने वाला है। तो यानी ये कम्प्लीटली लुक आगे से आप मिस करने वाले हो। बाकी यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो ऐसा ही हैलोजन बल्ब पायलट लैम्प, और जो टर्न इंडिकेटर्स है वो हैलोजन में नजर आएंगे आपको। USD फॉक्स मिलेगा और काफ़ी अच्छा है, मतलब यहाँ पर जो ये लुक दिया गया ना ग्रेश, ये बड़ा सूट कर रहा है इस पर। यहाँ देखिएगा तो आप ABS का साइन मिलेगा, USD फॉक्स है वो 31mm का है, थोड़ा सा और मोटा हो सकता है। मडगार्ड की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मडगार्ड है, यहाँ पर स्प्लिट है लेकिन इस जगह पर स्प्लिट है, और यहाँ पर कार्बन का एडिशन दिया गया, यानी कार्बन की ग्राफिक्स दी गई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर मैं कैलिपर्स की बात करूँ तो क्रीमिका के कैलिपर्स हैं, और फ्रंट में आप देखिएगा तो 300mm का प्लेट है। टायर सेक्शन की बात करूँ तो MRF का ज़बरदस्त टायर है जो 100/80 सेक्शन का, यानी सेम NS200, RS200, R15 वगैरह का सेम होता है। तो टायर और फ्रंट लुक में कोई कमी नहीं रखी गई है, लग ही नहीं रहा कि 160cc की बाइक है, ये देखो। और एलॉय दिए गए हैं, लाइटर एलॉय दिए गए हैं, आपको पता ही होगा। ये फ्रंट लुक है, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लेफ्ट साइड की प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो पल्सर का यहाँ पे 3D एम्बलम है, और ऑल ओवर ग्राफिक्स जो दिया गया ब्लू के टोन में दिया गया है। यहाँ पर 160 सिल्वर से है, हालांकि कोई और कलर से होता तो ज़्यादा अच्छा दिखता और विजिबिलिटी होती ज़्यादा, ये मुझे लगता है ऐसा। और पेंट की क्वालिटी देखो तो आप अपने आप में ही बहुत खूबसूरत पेंट की क्वालिटी है। ऑयल कूल्ड इंजन है, इंजन की बात कर लो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, मतलब ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंजन है। 17.3 BHP का पावर है, यानी पल्सर N160 से भी ज़्यादा, अपाचे भी इससे भी ज़्यादा, और एक्सट्रीम 160R से भी ज़्यादा, मतलब सब 160cc की सबसे पावरफुल बाइक है यहाँ पर। ये 17.3 BHP का पावर, 14.6 Nm टॉर्क, 160cc का इंजन, 5 मैनुअल स्पीड गियर्स है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 6 होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अभी देख रहे हो पल्सर N160 है, 2024 मॉडल है ये, और ग्रे में काफ़ी शानदार लग रही है यार, प्यूटी ग्रे कलर बहुत प्यारा। लेकिन मैं किस लिए हूँ यहाँ पर, आज इसका टॉप स्पीड नापने वाले हैं। देखो सामने एरिया कितना खतरनाक है, पूरा हाईवे है, हाईवे नहीं है ये तो भाई एयरपोर्ट है। चलो लेट्स स्टार्ट, गियर वाइज चेक करना। हाँ
चलो यार, जिंदा बचूंगा कि नहीं इसके बाद पता नहीं। लेट्स स्टार्ट द राइड। वाओ, गजब भाई, बहुत ही जल्दी इसने स्पीड पकड़ा। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है 10 से 15 सेकंड में ये लगभग 112 113 पकड़ लिया इसने। और क्या ग्रिप है रोड पे, इसका जो ब्रेकिंग है बहुत प्यारा काम किया। मतलब ये मैंने लाइव एग्जांपल लाइव इसलिए किया क्योंकि मैं देखना खुद चाहता था कि ये ब्रेकिंग उतना झेल पाएगा कि नहीं। और आपने देखा होगा सरफेस उतना कुछ खास नहीं था वहाँ पे। सो यहाँ पे मैं नंबर देने वाला हूँ इसको भाई, ब्रेकिंग में क्या लाजवाब ब्रेकिंग और रोड ग्रिप है। टायर वगैरह हो गया, सस्पेंशन आगे का जो USD फोर्स डाला है, गजब काम कर रहा है यार दोस्त। टॉप स्पीड इसका जो मैंने यहाँ तक अभी, मतलब सिर्फ मुझे 15 सेकंड चलाने का मौका मिला और इसकी स्पीड 113 के लगभग चली गई। तो एक गियर इसमें घट रहा था मुझे ऐसा लगा, बाकी इंजन गरम वरम कुछ नहीं हुआ और एकदम कूल रहा। तो ये चीज़ अच्छी है कि बड़ा इंजन से अच्छा परफॉर्मेंस है। इंजन क्रॉल ऐसा है कुछ, सिर्फ डिज़ाइन के लिए बनाया गया है और एग्जॉस्ट पाइप पे कोई भी आपको प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जो बहुत बड़ा मिस मुझे लगता है। यहाँ अगर आप देखो तो साइड स्टैंड है और मिडिल स्टैंड है। आजकल भाई बाइकों में मिडिल स्टैंड आना ही बंद हो गया, तो ये चीज़ के लिए नंबर देने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर देखोगे तो आप, राइडर फुटरेस्ट है जिसका बेस जो है वो अब मुझे लगता है प्लास्टिक का है, यानी फाइबर का है, और ऊपर रबर दिया गया ताकि आपको सॉफ्ट एक्सपीरियंस हो सके। पीछे की तरफ मूव कीजिए, पिलियन फुटरेस्ट अगर देखिएगा तो ये भी आपको फाइबर में मिलेगा। यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट दिया गया, यानी फैमिली वगैरह के लिए, जो काफ़ी स्टाइलिश है। जगह बिल्कुल खींच नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर कोई भी गार्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आपके साड़ी वगैरह अंदर अगर गया तो कोई गार्ड ऐसा बहुत बड़ा गार्ड नहीं है, लेकिन इस जगह पर आपको एक गार्ड दिखेगा जो कि मुझे ऐसा लगता थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, ये चीज़ मुझे ऐसा लगा। बाकी बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए बैक प्रोफाइल, LED लाइट्स है जो सेम वही पुराना लुक को आपको देगा। और टर्न इंडिकेटर्स LED इंडिकेटर्स जो आपको मिलेंगे, अभी तो हैलोजन में मिलेंगे, अब अपडेट हो गया तो LED में आएगा। बैक प्रोफाइल की बात करो तो यहाँ देखिए नीचे की साइड तो आपको मोनो सस्पेंशन मिलेगा जो रेड रंग में रहेगा, रेड रंग के रिंग में रहेगा, और काफ़ी अच्छा मोनो सस्पेंशन है। थोड़ा सा आपको वजन चाहिए इस मोनो सस्पेंशन को काम कराने के लिए। चेन की बात करो तो चेन सेम MT-15 के पैटर्न पे बनाया गया है। चेन इसमें लो मेंटेनेंस रहेगा तो ये अच्छी बात है। टायर के सेक्शन की बात करो तो 160cc के बाइक के हिसाब से बहुत बड़ा और बहुत मैसिव टायर है ये, जो कि 130/70 और 17 इंच के अलॉय पे है। प्लस यहाँ पे MRF का दमदार टायर है, ये मुझे पसंद आया। अलॉय व्हील आपको सेम मिलेगा जैसा पिछले आगे का अलॉय व्हील है, सेम पीछे का भी वैसा ही है। डुअल चैनल ABS आप जानते हो, पीछे मैसिव प्लेट है 230mm का, MT-15 से ज़्यादा है, यानी ये सेम आपको NS 200, Duke 200, ये सब का प्लेट के लगभग बराबर का साइज़ है। ब्रेकिंग से आपको बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ब्रेकिंग बहुत कामयाब है। हगर गार्ड की बात करूँ तो बहुत ही कामयाब हगर गार्ड है, जो इंजीनियरिंग की गई है इस पर, बहुत सॉलिड इंजीनियरिंग की गई है, ज़रा सा भी छीटा नहीं पड़ेगा, प्लस देखने में भी क्लासी लगता है। यही वही सेम राइट प्रोफाइल भी आप देखोगे तो सेम है, लेकिन एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है NS 160 के इस मॉडल के साथ। NS 160 का ये मॉडल यार, एक लाइन इसके लिए भी है, ये लास्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब पे NS 160 के साथ और इस मॉडल के साथ। अब जब भी बनाऊंगा तो 2024 लेटेस्ट मॉडल LED वाले के साथ बनाऊंगा, तो इसको एक बार बाय बोल दो यार, इसके लिए एक लाइक कर दो, क्या परफॉर्मेंस दिया है। हाँ, इसमें मैं बता रहा था एक बहुत अच्छी चीज़ है, ट्विन स्पार्क DTSI का लोगो तो है इंजन पे, और ये इंजन भी बहुत प्यारा, लेकिन आपको मिलेगा किक लीवर जो 160cc में लगभग ख़त्म ही हो चुका है सारी बाइक्स में, N160 भी नहीं देता है। तो किक लीवर अभी भी आपको NS 160 देगा, जो इसको एक बहुत बड़ा पॉइंट बनाता है, मैसिव पॉइंट बनाता है कि आप इसको लो, ये चीज़ मुझे पसंद आया। बाकी राइट साइड का प्रोफाइल, लेफ्ट साइड का प्रोफाइल सिमिलर ही है भैया।
ये देखिए आपको ऊपर थोड़ा सा आ गया मैं। अब सीट की बात करता हूँ, बैठने की बात करता हूँ, तो कुशनिंग बहुत जानदार है, स्प्लिट सीट है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा उठा हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए ग्रिप बनेगा उठने से, ग्रैब रेल आपको स्प्लिट में है। सीट टेस्टिंग करके अभी आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि कितने लोग बैठ सकते हैं कम्फर्टेबली और सीट पर बैठने के बाद घाट कैसा बनता है। ये रहा वीडियो, पल्सर NS160 है, थोड़ा सा विंड ब्लो है, उसको माफ करना उसके लिए। ये सीटिंग देख रहे हो, बजाज ने कितना ज़्यादा सीट स्पेस दिया है, स्प्लिट सीट है। आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि कितने लोग इस पर बैठ के कंफर्टेबली चल सकते हैं। तो मैं चंगू मंगू नंगू टंगू सबको बुलाता हूँ। अरे भाई सब आ जा, एक एक करके बैठो मेरे पीछे जल्दी, यहाँ की गाड़ी अब हम उड़ा देंगे यहाँ से। जितना आदमी बैठ पाएगा बैठ, हो गया। देखिए इतना आदमी इसमें आराम से बैठ रहा है और राइडर भी आराम से। देखिए यहाँ पर बात करते हैं टैंक की, तो टैंक बहुत प्यारा है। यहाँ पर आपको गार्ड दिया गया ताकि अगर आप फिसल जाओ, पहले क्या था यहाँ पे गार्ड नहीं होता था तो ज्यादा चोट लग जाता था कभी कभी, आप समझ रहे हो ना, समझ जाओ कहाँ पे। तो इसके वजह से एक ये भी रहेगा कि कॉर्नरिंग में ग्रिप बनेगा। कॉर्नरिंग की वीडियो ये रही। तो वीडियो देखा, कॉर्नरिंग में ग्रिप भी रहेगा और साथ में आपको प्रोटेक्शन भी रहेगा। टैंक की बात करो तो ये फाइबर का टैंक है जो E20 पेट्रोल के साथ आता है, इथेनॉल 20% और 80% पेट्रोल। टैंक की साइज की बात करो तो ये लगभग आपको 12 लीटर की टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जिसमें 2 लीटर फ्यूल रिजर्व में जाता है। ऑल ओवर बाइक के वेट की बात करो तो बाइक लगभग 152 केजी का है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं 170 mm का मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस। MT-15 की इतना ही ग्राउंड क्लियरेंस मैसिव है। ये रहा ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट, बट मतलब मैंने एकदम प्रैक्टिकली ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट किया है। ये देखिए वीडियो आप जगह बच गया है, देख रहे हो आप बहुत ज्यादा जगह बच गया है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी तो क्यों कर रहा है, देख रहे हो आप। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद इस पत्थर की वजह से मुझे सहारा मिल रहा है, तो मैं इस पत्थर को हटा देता हूँ। तो देखा आपने ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट, कितना मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस है। मुझे लगता है कि एकदम प्रैक्टिकली ये बाइक सबसे अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती है इंडिया में, जो कि एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक होने के बावजूद। तो गांव के लोग इसको बेधड़क लेंगे, पॉइंटर्स बता रहा हूँ। अब बात करते हैं इसका हैंडलिंग का, तो क्लिप ऑन हैंडल बार है, इजिली रीचेबल है, थोड़ा सा आपको अपराइट होना पड़ेगा, आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। साथ में यहाँ स्विचेस की बात कर लूँ तो कोई भी आपको कॉस्ट कटिंग स्विचेस में नहीं दिखेगी। यहाँ पर आप देखोगे तो पासिंग लाइट, अपर बीम, लोअर बीम, इंडिकेटर्स और हॉर्न सुनना है, ये लीजिए हॉर्न, गजब का हॉर्न है, मज़ा आ गया भाई। यहाँ पर आप देखोगे तो इंजन किल स्विच है और सेल्फ स्टार्ट यहाँ पर दिखेगा। एग्जॉस्ट की बात कर लूँ तो ये अंडर द बेली एग्जॉस्ट है, क्या सुनना चाहते हो, लो ना भैया लो ना। ये देखो ये आपको एकदम नॉर्मल एग्जॉस्ट है। अब मिड रेंज में जाते हैं, अब रिफ्स करता हूँ इसमें। वाओ क्या एग्जॉस्ट नोट था यार, गजब का मजा। अब इसके कंसोल मीटर की बात कर लूँ तो मैं बता दूँ कंसोल मीटर बिल्कुल चेंज हो गया है 2024 मॉडल में, पूरा डिजिटल कंसोल मीटर आ चुका है, उसमें ब्लूटूथ वगैरह है और नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें हैं।
और यहाँ पे कंसोल मीटर में देखोगे तो ये पुराना वाला कंसोल मीटर है जो कि सेमी एनालॉग है। यहाँ पे न्यूट्रल का साइन है, टर्न इंडिकेटर्स है, बैटरी का बताता है, इंजन माल फंक्शन बताता है, अपर बीम लोअर बीम बताता है, आरपीएम बताता है, फ्यूल गेज, न्यूट्रल का साइन, ऑडोमीटर, टाइम, स्टैंड और स्पीड बताएगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे देखो ट्रिप वन ट्रिप टू की जो डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह आपको बताएगा। तो ये कंप्लीट पैकेज है आपको, यहाँ पे आरपीएम लिमिटर भी है, तो ये कंप्लीट पैकेज है ये बाइक। और ये बाइक के बारे में क्या ही कहना है, ऑलरेडी भाई इसने मार्केट में बहुत गहरा छाप छोड़ा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस बाइक के साथ। और इस मॉडल में जो है कि आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे, फुल्ली डिजिटल कंसोल मीटर आएगा, हैलोज और एलईडी लाइट्स आएगी। तो ऑल ओवर ये अपडेट होने वाला, प्राइस में क्या फ़र्क आने वाला, प्राइस में एक रुपये का भी बढ़ोतरी नहीं है, प्राइस एक रुपया भी नहीं बढ़ेगा, सेम प्राइस पे मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बताना वीडियो कैसा बना, शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की थी मैंने। लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ वीडियो।